हेलो दोस्तों, आज मैं एक और मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम दो वर्कर को देखते हैं जो अपने काम से छूटने के बाद सीधा अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पर एक ड्रग के टेबलेट को क्रश करते हैं और एक सिरिंज की सहायता से उसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि वो बंदा उस सिरिंज को एक सिंक से निकालता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी भरा था और उसी सिरिंज को अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है। खैर, आगे देखते हैं कि उसके बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं। तो अब ड्रग इंजेक्ट होने के बाद उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और वहीं पर दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब अगली सुबह उनमें से एक वर्कर का नींद खुलता है और वो देखता है कि उसका साथी दीवार की तरफ मुड़कर कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, बट उसे नहीं पता है कि उसका साथी किसी वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है। इसलिए वो अपने साथी से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन तभी अचानक से वो बंदा मुड़ता है और उस पर अटैक करके उसे काट लेता है। दरअसल वो बंदा उस ड्रग्स को उसी सिरिंज से बार बार कंज्यूम कर रहा था जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया है और वो एक खतरनाक जोम्बी में बदल गया है। खैर, काटे जाने के बाद वो वर्कर तेजी से बाहर लोगों की तरफ भागता है जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बहुत ही खूबसूरत गांव में इस कहानी के मेन कैरेक्टर एडम को देखते हैं। एडम एक डॉक्टर होता है पर फिर भी वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाता। दरअसल उसकी वाइफ एक कैंसर पेशेंट थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसी के बारे में सोचकर एडम बहुत दुखी भी रहता है। इसीलिए वो अपने बेटे मिगेल को उसके नाना नानी के साथ उनके घर भेज देता है। अब रात होने पर एडम अपने फ्रेंड जॉनी के घर डिनर करने जाता है और वहाँ से आने के बाद वो अपने वाइफ के बारे में सोचकर अफसोस करता है और दुखी होता है एंड अमेजिंग करता है कि उसकी वाइफ उसके साथ है, और ऐसा करते करते वो सो जाता है। अगली सुबह एडम अपने क्लिनिक जाता है और वहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत का ट्रीटमेंट करता है और साथ ही उस बूढ़ी औरत को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहता है। इसके आगे एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ डॉक्टर्स वीडियो कॉल पर इस वायरस के बारे में कंफर्म कर रहे होते हैं कि ये वायरस क्या है और ये कहां से आया है और इसके होने के लक्षण क्या क्या हैं। दरअसल उन डॉक्टर्स को भी इस वायरस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, बट उन्हें इतना पता है कि इस वायरस का सबसे पहला पेशेंट पब्लिक हॉस्पिटल से मिला है। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि कहानी की स्टार्टिंग में एक वर्कर किसी दूसरे वर्कर को काट लिया था, ये वही वर्कर है। खैर, इसके बाद सीन्स कट जाता है और हम एडम को देखते हैं। एडम अपने कार से मार्केट जा रहा होता है और साथ ही अपने बेटे मिगेल से बातें कर रहा होता है एंड मिगेल को समझा रहा होता है कि अपने नाना और नानी की बात माने और कोई शरारत न करे। इसके बाद जल्द ही एडम मार्केट पहुंच जाता है और वहां के एक दुकान से कुछ सामान परचेज कर रहा होता है कि तभी अचानक से बाहर भगदड़ मच जाता है क्योंकि बाहर एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया था, जिसे देख उस एरिया के सभी लोग एम्बुलेंस की तरफ भागते हैं ये देखने के लिए कि उसमें किसी को चोट तो नहीं लगी। लेकिन तभी उस एम्बुलेंस से एक बहुत ही ख़तरनाक जोम्बी निकलता है और कई लोगों पर अटैक करके उन्हें काट लेता है। अब उस जोम्बी से बचने के लिए एक बंदा उस पर गोली चलाता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे ऐसा करने के लिए रोकता है और उल्टा उसी पर बंदूक तान देता है। यह मौका देखकर एक जोम्बी उस पुलिस वाले पर भी अटैक कर देता है। अब यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है ये सोचकर एडम अपनी कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब एडम अपने घर पहुँचने ही वाला होता है कि तभी जॉनी अपनी वाइफ एना को लेकर रोड पर आता है और एडम से मिलता है। जॉनी एडम को बताता है कि एना को किसी बूढ़े इंसान ने काट लिया जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई और ये कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एना को हुआ क्या है। तब जल्दी से एडम उन दोनों को अपने कार में बिठा कर अपने क्लिनिक ले जाता है और वहाँ पर एना का चेकअप करता है, लेकिन इसी के दौरान एना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी इसलिए एडम उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है जिससे थोड़े समय के लिए एना शांत हो जाती है। इसके बाद एडम जल्दी से अपने घर आता है और मिगेल के नानी को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि मिगेल सही सलामत है या नहीं।
क्योंकि मार्केट के इंसिडेंट के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। लेकिन उसे कॉल पर कुछ रिप्लाई नहीं मिलता। अब यहाँ पर उसे डाउट होता है कि ये इंसिडेंट सभी जगह हो रहा होगा, इसलिए वो अपने लैपटॉप को ऑन करता है और उसमें न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जाता है कि ये वायरस छूने और काटने से फैल रहा है, इसलिए बिना किसी को छुए अपने घर के अंदर सेफ रहिए। उसी वक्त जॉनी एना को लेकर एडम के घर आता है और उसे कहता है कि तुमने जो दवा दिया था उससे कुछ भी आराम नहीं हुआ, यानी अभी भी उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है। इसके बाद जल्द ही एडम उसे अंदर आने के लिए कहता है। अंदर आने के बाद जॉनी एना को सोफे पर लिटा देता है। इसके कुछ समय के बाद एडम के बगल वाले घर से दो लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि हमने जॉनी के साथ एना को यहाँ पर आते हुए देखा, क्या एना ठीक है? इतना कहकर उसे देखने अंदर आ जाते हैं। इसके बाद एडम एना को दोबारा चेक करता है, उसके दांत को देखता है तो वो पूरी तरह से काले पड़ गए थे। फिर उसकी आँख में रोशनी डालकर देखता है तो वो पूरी तरह से लाल हो गए थे। इसी बीच अचानक से एना को होश आ जाता है और वो एडम को काटने के लिए ट्राई करती है, लेकिन तभी सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। बट इसी के दौरान एना उस पास वाले घर के आदमी को काट लेती है। अब उससे बचने के चक्कर में जॉनी एना को धक्का दे देता है और वो टेबल से टकराकर बेहोश हो जाती है। इसके कुछ ही समय के बाद उस घर में बिजली चली जाती है। अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है, ये सोचकर सभी लोग अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं।